तो भाई लोग, ये मैंने क्या देख लिया दोस्तों, परवाज़ के फैंस और शाहरुख खान के फैंस दोस्तों फिर से आपस में लड़ने वाले हैं। भाई साहब, यहाँ पर देखा जाए तो आप सबको तो पता है कि सलार 2 मूवी 2025 में आ रही है। ये भी आपको पता है कि 2025 में शाहरुख खान की मूवी किंग मूवी आ रही है, और भाई दोनों के बीच फिर से क्लेश हो सकता है भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो। यानी कि भाई फिर से हिंदुस्तान की जनता दोस्तों बटने वाली है, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। बाकी मैं आपको फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, फुल आपको बताने वालों कितना सच है कितना झूठ इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। भाई साहब यहां पर देखा जाए तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा भाई, परवाज की सलार 2 का एक जो पिक्चर है, शूटिंग पिक्चर बोल सकते हैं उसे, वो लीक हो चुकी है। लीक नहीं हुई है, मतलब वो सोशल मीडिया पर डाली गई है। मैं आपको रिव्यू करूंगा भाई परवाज इसके अंदर लंबी लंबी मूछों के अंदर है, जो कि भाई काफी तगड़ा दोस्तों यहां पर लुक लगला सलार 2 का, इस तरह की बातें बताई जा रही है दोस्तों यहां पर देखा जाए तो। अब बात करते हैं सलार 2 क्या सच में किंग मूवी से क्लैश होने वाली है। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुने, किंग मूवी शाहरुख खान की दिसंबर के महीने में 2025 में आएगी दोस्तों। कहीं ना कहीं दोस्तों ये मूवी लॉक हो चुकी है, अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो। और आप सबको तो पता है कि 1.5 साल पहले जब से सलार मूवी आई थी, जब से भाई 2025 इन लोगों ने सलार 2 के मेकर्स ने कह दिया कि भाई हम दिसंबर के महीने में 2025 में रिलीज़ करेंगे भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो। लेकिन भाई सलार 2 की तरफ से भी अभी ऐसा कोई कंफर्म नहीं हुआ है कि भाई ये दिसंबर के महीने में आएगी भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो। किंग मूवी की बात करें दोस्तों, किंग मूवी एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाले, फुल एक्शन मिलने वाले हैं। ठीक वैसे सलार 2 मूवी भी दोस्तों ठीक उसी तरह की भाई डार्क थीम की मूवी होने वाली है भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो। आप सबको याद होगा कि भाई 2023 के अंदर कितना बड़ा धमाका हुआ था, डंकी वर्सेस सलार दोस्तों। भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो साउथ की ऑडियंस अलग बढ़ गई थी, हिंदी ऑडियंस अलग बढ़ गई थी, लेकिन भाई यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के अंदर सलार मूवी ने दोस्तों डंकी को मात दे दी थी। और तकरीबन दोस्तों 700 करोड़, 650 से 700 करोड़ के करीब बिजनेस करता सलार मूवी ने, वहीं डंकी मूवी ने 500 करोड़ के करीब दोस्तों बिजनेस करता, 498 या 500 करोड़ के करीब वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करता भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो। तो गाइस अभी किंग मूवी की तरफ से कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं आया कि भाई हम सलार मूवी से क्लेश करने वाले, लेकिन दोस्तों मैं अपनी तरफ से अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि भाई दोनों फिल्में एक साथ 2025 में ही आ रही हैं। हो सकता है दोस्तों दिसंबर के महीने में फिर से भाई न्यूज़ निकल के सामने आए कि भाई क्लेश भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो। मैं आपसे लिख के दे सकता हूँ कि भाई डंकी मूवी उस लायक नहीं थी मूवी सलार से क्लेश करने लायक, लेकिन सलार वाले मतलब जो सलार के मेकर से उन्होंने ज़बरदस्ती सलार से भिड़े, डंकी से भिड़े आके, और भाई उससे जो कि सलार के लायक नहीं थे। लेकिन दोस्तों मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाई जो किंग मूवी है वो सलार 2 से जो क्लेश करने के लायक है भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो। अब जो उनसी मूवी की स्क्रिप्ट अच्छी होगी, बीजीएम अच्छा होगा दोस्तों, थीम अच्छी होगी, वही मूवी दोस्तों लंबी रेस का घोड़ा साबित होगी भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो। बाकी देखते हैं दोस्तों क्या होता है 2023 में डंकी वर्सेस सलार के साथ क्या हुआ था दोस्तों। आपने सबने देखा कि भाई कितनी किस तरह की कॉर्पोरेट एडवांस बुकिंग करी जा रही थी, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं बाकी यहां पर। बाकी आपको क्या लगता है किंग मूवी में और सलार 2 मूवी में क्लेश हुआ था, कौन किस पर भाई रहेगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल सपोर्ट करें भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो।